पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 का आपको बेसब्री से इंतजार होगा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि दुनिया भर से खिलाड़ी आ रहे हैं पाकिस्तान खेलने के लिए। नेशनल स्टेडियम कराची में पहले 20 मैचेस खेले जाएंगे और फिर मुकाबला होगा लाहौर में। तो आइए आपको दिखाते हैं कि नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 की क्या तैयारियाँ चल रही हैं। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर की। यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए जिम, स्विमिंग पूल समेत दीगर सहूलतें मौजूद हैं। ये है नेशनल स्टेडियम कराची के अहाते में मौजूद प्रैक्टिस ग्राउंड, जिसे तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम टीम्स प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगी और PSL मुकाबलों से पहले यहाँ पर मुकाबले होंगे। ये नेशनल स्टेडियम कराची का नेट प्रैक्टिस एरिया है, जहां पर 18 पिचेस मौजूद हैं। इसके अलावा नेशनल स्टेडियम कराची में मजीद 3 नेट प्रैक्टिस एरियाज हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में मैंने आपको प्रैक्टिस ग्राउंड और हनीफ मोहम्मद सेंटर तो दिखा दिया। आइए अब आपको लेके चलता हूँ नेशनल स्टेडियम कराची की मेन बिल्डिंग में। सुपर लीग सीजन 6 के लिए नेशनल स्टेडियम कराची का आउटफील्ड लश ग्रीन तैयार कर दिया गया है, जो यहां पर मुंतजर है पाकिस्तान सुपर लीग की 6 टीम्स का। तो जनाब, ये है वो जगह जहां पर शायकीने क्रिकेट आकर बैठेंगे और मैच से लुत्फानंदोज होंगे। यहां पर ख्याल रखना है सोशल डिस्टेंसिंग का और कोरोना की तमाम SOPs को फॉलो करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ भी सजेशन हो हमारे कमेंट्स में आप ज़रूर हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें भी आप तक लेकर आएं, और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।